छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। राजनांदगांव जिले में 96 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। लगभग 1,32,000 से अधिक किसान इस बार जिले में अपनी उपज बेचेंगे। धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के लिए किसानों को टोकन भी जारी किया गया है। बता दें कि किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से टोकन जारी किया गया है। प्रबंधक का कहना है कि इस बार अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन और समितियों ने पूरी तैयारी की है। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं सुबह 9 बजे से आया था धान बेचने, 11 बजे मेरा धान का बिक्री हो गया। एक एकड़ 11 डिसमिल धान हुए थे, 19 है ना, 19 डिसमिल में तो अपना 58 कट्टा हुआ, बिक गया अपना धान। कौन सा धान था आप? कावेरी धान था, पतला। कैसा रहा था फसल? खराब फसल। आज 14/11/2024 से धान की शुरुआत हुई। आज ढाबा सोसाइटी में 22 किसानों को टोकन दिया गया है। 1164 क्विंटल धान खरीदी होगा। पर्याप्त मात्रा में बोरा उपलब्ध है, चार तत्व उपलब्ध है, एनर्जी उपलब्ध है। किसानों की किसी प्रकार के सुविधा न हो तो पानी वानी का व्यवस्था है, उपचार किट का भी व्यवस्था किया गया है, पूरी व्यवस्था किया गया है। मौसम उसके लिए क्या है? हाँ, दाल पत्री है, कम्प्लीट दाल पत्री उपलब्ध है। धान बेचे लाओ हूँ और सोसाइटी चालू हुई से एक हो रहे हैं बढ़िया लगी। अच्छी व्यवस्था कैसे है? बढ़िया, अच्छी व्यवस्था है।